नमस्कार मुँ सोनी आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल सोनीस किचन को। आज आम ओडिशार गोटे अथेंटिक रेसीपी गुढ़ा चकुली पिठा बनवा। तो ये मुझे गोटे कप बीरी आ दि कप अरुआ चाउल यह प्रथम एमती गोटे बड़ जगह देदेब। आ पानी दे कि 7 रु 8 घंटा या भिजवा को छाड़ दबा। सात रु आठ घंटा ये सारा बीरी आ चाउल भल कि बतुरी जाए। बीरी को आम एम हाथ में नहीं कि तार चोपा छड़े नवा एमती हाथ में दुई हाथ में भल कि नहीं कि एमती रगड़ी रगड़ी की यार चोपा छड़े नवा। बीरी रु भल भाव चोपा छाड़ जाए देखिपे अल्प अल्प चोपा अच्छी बीरी में अल्प अल्प चोपा थे पिठो बाटि सारापर ए भल बासना आसी थाए। आ चाउल को भल भाव धोई नहीं चाउल आ बीरी में जेहेतु गोड़ी थाए या भल भाव गड़े कि गुड़ी बाहर करदे आल भाव एमती धोई ने। जामर नेक्स्ट प्रोसेस को एवं गोटे ग्राइंडर जार नहीं कि बीरी आ चाउल को बाटि नवा। तो प्रथम आम बीरी को बाटि नवा। यदि आप चाउल को आग बाटुचार ग्राइंडर जार को भल भाव धोई नेपर बीरी को बाटे नहले बीरी भल भाव बाटि हेनी। तो प्रथम आग बीरी को ही बाटे एवं अल्प अल्प कर पानी देद यह ग्राइंडर में बाटि नवा स्मूथ पेस्ट बनईद यार देखु बीरी ये बाटिगला आम यहाँ गोटे बड़ जगह बाहर कर नबा। आबे से ही सेम ग्राइंडर जारे चावल को देखी बाटी दबा। आउ एथिरे मध्यो एबे अल्प अल्प पानी देखी याको ग्राइंडर रे बाटी नबा। देखो तो चावल मध्ये एडी बाटी हे गला याको मध्ये गोटे जागर बाहर करि नबा। आ पिठार भलो बासना आसीबा पई बीरी रे अल्प अल्प चोपा रखिबे आ चावल को दरदरा करके ग्राइंड करिबे ता द्वारा पिठो भलो बासना आसी थाए। एबे याको साइड कर दबा आ बीरी को फेणी नबा। तो बीरी को भल भाव एमती हाथ में फेणी ने आईटा फेणी हाँप 10 रु 15 मिनट पखापाखि टाइम लगी था। तो या हाथ में एमती भल भाव डिरेक्शन रे बुले चलिए। दस रु 15 मिनट पर देखी पारे जे बीरी आमर फेणी हो जाए। बीरी को एमती हाथ में ने देखिए यहाँ एमती फ्लफी लगुच तो जानवे जे बीरी आमर फेणी हो गला। एबे एथेरे रखिथिबा चाउल को धीरे धीरे करके मिसेबा। चाउल को मिसेला बेले सब बेले एका बेले दे देबेनी एमती अल्प अल्प करके एथेरे देबे नहले चाउल बीरी रो तळ को बसी जीवो आउ पिठा कला बेले एटा टाणो लागिवो तेणु करे एमती अल्प अल्प देकी या बीरी सहित भल भाव मिसई ने। देखो तो चावल और बीरी भल भाव मिसी जा घोड़े नवा और पिठो को फुलवाप छाड़ीद। पिठो फुलवाप खरा दिन बहुत कम टाइम 4-5 घंटा लगी था आ शीत दिन में बहुत अधिक टाइम जमीक 10 रु 12 घंटा लगी था। तो ये आम यहाँ 5 रु 6 घंटा फुलवाप छाड़ीद। देखो 6 घंटा हो सारा आठ भी आम फुली जाए गोड़े नवा। देखु पिठ पूरा फुली जा पिठा करने मुझे अधा कप नड़िया नहीं नड़िया को छोट छोट आकार काटिक रखी अधा कप गुड़ आउ गोटे पिंच लुण जेहेतु ये गोटे मीठा आइटम तेणुकर आम लुण को आड करवा एवं काटिक रखि नड़िया आउ गुड़ को देद।
ଆଳୁକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁଡ଼ ମିଶିଲେ ପିଠଉ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ଗୁଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିକି ରଖିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ଏମିତି ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଠା କରିନେବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ମୁଁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଠଉକୁ ଦେବା ଆଉ ପିଠା କରିନେବା। ଯେହେତୁ ଏହାର ନାଁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ତ ଏ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଟିକେ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଏଥିରେ ଅଧିକା କରି ପିଠଉ ଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ 3 ଟଙ୍କି ପିଠଉ ଦେଲି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ କରିଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ 5-6 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝିବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କଭର୍ ଖୋଲି ନେବା। ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏବେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପିଠାର ତଳ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକି ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀରେ କିଛି ପିଠଉ ଲାଗିନି, ତ ଜାଣିବେ ଯେ ପିଠା ଆମର ଭିତରୁ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ପିଠଉତକ ପିଠା କରିନେବା। ତେଲ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଏଥିରେ ପୁଣି ପିଠଉ ଦେଇଦେବା। ଏ ପିଠାଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୁଳିର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ କେତେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ପିଠାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତିଆରି କରିବେ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ପିଠାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।